नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा पंजाब के खेतों में पराली जलाने से न केवल एनसीआर बल्कि सिरसा का आसमान भी जहरीला हो चुका है। दो दिन से सिरसा के आसमान पर जहरीला धुआं छाया हुआ है। इस जहरीले धुएं से अनेक लोगों को सांस के रोगों की शिकायत हो गई है। इस संबंध में पल पल में जब डॉक्टर वीरेश भूषण से बात की तो उन्होंने इस संबंध में बताया कि श्वास रोगी मास्क लगाकर ही घर से निकलें। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर वीरेश भूषण का कहना है कि स्मोक से सबसे ज़्यादा फेफड़े प्रभावित होते हैं। आम आदमी जब सांस लेता है तो विषैले तत्व सांस के साथ सीधे फेफड़ों तक चले जाते हैं, जो काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। श्वास रोगियों के लिए स्मोक जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में हर व्यक्ति को मास्क का उपयोग करना चाहिए। गले में खराबी होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। खांसी और जुकाम होने सवे उपचार करने के बजाय डॉक्टर के पास जाएं और उसी की सलाह पर दवा का सेवन करें। वेद राजेंद्र कुमार जी का कहना है कि बाहर से घर आने के बाद व्यक्ति को कुल्ला करने के बाद गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुड़ श्वास रोगियों के लिए रामबाण से कम नहीं होता। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर।